वेलकम बैक टू नोशिस किचन आज आपके लिए मैं एक स्पेशल ट्रीट लेके आई हूँ एक क्लासिक चेरी डिजर्ट चेरी कॉबलर बनाने जा रही हूँ मैं आज जिसमे हम पहले जूसी चेरीज की फिलिंग लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें गोल्डन बटरी सा क्रस्ट बेक करेंगे बहुत ही फ्लेवरफुल डिजर्ट है चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी टू कप्स में चेरीज लूँगी जो मैंने मिक्स लिए हैं थोड़े से पके हुए और थोड़े कम पके हुए भी जो खट्टा फ्लेवर होता है वो बहुत मजे का लगता है अब इसको हमने सीड्स रिमूव करने हैं इसके और इस तरह से आप स्टिक्स से या किसी स्ट्रॉ की मदद से सीड्स रिमूव कर सकते हैं या फिर आप नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊँगी जो आपको लगे कि थोड़े से सख्त वाले हैं चेरीज उसको आप नाइफ की मदद से रिमूव कर दीजिए चलो जी हमारे पास दो कप के बराबर चेरीज हैं अब हमने क्या करना है कि इसको हमने कुक करना है इसको हम कुकिंग पैन में ऐड करेंगे साथ ही वन फोर्थ कप शुगर ऐड कर दूंगी इसमें मैं सॉल्ट वन फोर्थ टीस्पून लेमन जूस ऐड करें टू टेबलस्पून कॉर्न कॉर्नफ्लावर वन टेबलस्पून और वनी लाइसेंस ऑप्शनल है अगर आप जाएँ खुशबू के लिए तो वो भी आप डाल सकते हैं हाफ टी स्पून पाँच से दस मिनट इसको पकाना है जब तक कि हमारी सारी स्ट्रॉबेरीज बिल्कुल सॉफ़्ट इस तरह से हो जाए कि हम उसकी एक फ़िलिंग की लेयर लगा सकें अब जिस भी डिश में आपने बेकिंग करनी है उसमें हमने इसकी फिलिंग लगा देनी है चेरीज की इस तरह से अच्छी तरह से आप स्प्रेड कर दीजिए एक अलग बोल में हमने टॉपिंग तैयार करनी है इसमें हमने ऑल पर्पस फ्लावर लेना है वन कप शुगर हम लेंगे हाफ कप वन फोर्थ टी स्पून सॉल्ट बेकिंग पाउडर वन टी स्पून और ठंडा जो बटर फ्रिज का रखा हुआ होता है वो टू टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और अब अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है बटर के साथ अच्छी तरह से हाथों से आपने इसको आ, मिक्स करना है और इसके बाद हम वन फोर्थ कप मिल्क ऐड कर देंगे अब दोबारा से आपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि ये थोड़ी सी डोट फॉर्म में आ जाए ये देखें अब ये बहुत अच्छे से कंबाइन होना शुरू हो गया है और इसको आप कोशिश करें कि जितनी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो सकें प्रॉपर डो बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके अलग अलग पीसेस डालने हैं ऊपर अब जो चेरीस फिलिंग हमने डाली थी उसके ऊपर आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस लगा देने हैं और आपको गैप का भी इतना ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है और साइज़ का भी नहीं क्योंकि ये सारा स्प्रेड हो जाना है बेकिंग के बाद अब इसे में बेक करना है 180 पे 20 से पच्चीस मिनट तक हर ओवन का अपना हीट का थोड़ा सिस्टम होता है जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है तो जल्दी बेक हो जाता है और आखिरी पाँच मिनट में मैं थोड़ा ऊपर का बर्नर खोल देती हूँ ताकि ऊपर से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन क्रस्ट आ जाए और ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी ये डिश तैयार हुई है इतना क्रिस्पी सा ऊपर से इसका जो क्रस्ट है और अंदर इसके जूसी चेरीज हैं बहुत मज़े का डिज़र्ट है ये चलिए जी मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ और इसको हम शाउट करते हैं जो नेक्स्ट uh, स्टेप मैंने करना है वो हम इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे और ये मेरे पास छोटी सी आइसक्रीम घर में ही पड़ी थी मैं इसके साथ सर्व करूँगी आप कोई सी भी आइसक्रीम ले सकते हैं उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी अल्लाह अल्लाफिज